का खालसा श्री वाहिगुरु जी फतेह। मैं इंद्रजीत सिंह होकर वार्ड नंबर 17 तो सारे भरावां दे सहयोग नाल इलैक्शन लड़न जा रहा हाँ। तो मैं आस करदा कि सारे मेरा साथ देणगे, जिवें कि पिछली बार मैनू सिद्धू साहब ने पूरा कॉन्फिडेंस लैके कहा सी भी अगली बारी इलैक्शन तुहानू लड़ावांगे। चलो राजनीति है, कई कुछ हुंदा, पर मैं अपने वार्ड प्रति पूरा वचनबद्ध हाँ। मैं जो काम मैं हुण तक कीते आ लोगों नूं पता है, सारे ही इस बार ये चाहते हैं कि मैं इलैक्शन लड़ा। मेरे को कई अपने बजुर्ग, कई मातावां, कई भैणां ने आके मैनू प्रमोट किया भी तू आके इस बार इलैक्शन लड़ ते साडी बांह फड़ के साडी जो आवाज़ है तुसी हाउस च पहुँचाओ। तो मैं वचनबद्ध हाँ, तो मैं वार्ड नंबर 17 की आवाज़, जे मैं कौंसलर बनता ये आवाज़ तुहाडी आवाज़ बन के हाउस च गूंजेगी। तो जो भी काम मैं अपने वालों, चाहे किसी भी राजनीति पार्टी संबंध रखती है, मैं उन्होंने को जिमें तिवें मर्जी करा के वार्ड नंबर 17 की झोली पावगा। जदों की कारपोरेशन इलैक्शन 50 वार्ड है, पर मेरा वार्ड नंबर 1 गिणिया जाऊगा आउंदे 5 सालों के विच। ये तुसी देख लेना, ये जिहड़ी वोटां पैणियां है ये वोट तुसी मैनू नहीं पाउणी, तुसी अपने आप नूं वोट पाउणी है। एक एक वोट, एक एक घर की वोट तुसी अपने आप नूं समझ के पाओ कि इंद्रजीत सिंह होकर नहीं खड़ा, मैं खड़ी हाँ जां मैं खड़ा। तो वोट तुसी अपने आप नूं पा के तुसी कामयाब होना, तो मैं तुहाडे नाल खड़ा हमेशा, दिन रात एक करूँगा। तो तुहाडी आवाज़ हाउस इन्नी बुलंद कर दूंगा भी वार्ड नंबर 17 नंबर 1 चाहूगा। तो मैं इन्ना भी तुहानू विश्वास दवाना भी मैं नहीं होगी, मैं तुसी होगे, मेरे च हंकार नहीं आऊगा। जे तुसी मैनू कोई भी मैनू आके मेरे नाल चैलेंज कर दे भी ये काम नहीं होया 5 सालों में, तुसी मैं तुहाडे चैनल के माध्यम राही मैं दसना चाहुंदा तुसी यही इंटरव्यू दोबारा चलायो। तो मैनू तुसी कहो चैलेंज करके भी खोखर साहब तुसी ये कहा सी ना अज तक मुकरिया तो ना कभी मुकरूंगा, मैं स्टैंड वाला तो स्टैंड लिया तो स्टैंड लेंदा रहूँगा। जिन्हें मैं काम करे है, मैं नहीं कहना मैं करे है, तुहाडी पावर सी मैं किते है, तो आउंदे टाइम भी तुहाडी पावर नाल काम करूँगा। तो तुहानू पता मैं रामगढ़ीए परिवार तो संबंधित हाँ, ठोक के काम किते है तो ठोक के करूँगा, तो कभी किसी की परवाह की नहीं ना ही करनी है। ये मैं नहीं, ये तुसी हो, तो मैं तुहाडे नाल खड़ा हमेशा ही खड़ा रहांगा। सारिया वोटा जिन्या पैनिया तुसी अपने आप नूं पा के आप नूं कामयाब करो। तो खोखर साहब जी गल करिए, तुसी कहा कि अपना वार्ड तुसी नंबर 1 बनाओगे, जबकि तुसी पहला भी MC नहीं रहे हो, की को तुहाडे कोल कोई इस तरह की प्लैनिंग है, किस तरह करोगे? मेरे को कितना नंबर 1 बनाओगे? मेरे को इन्ने प्लैन हैगे है जां कुछ तुसी इह ला लो भी आपां जी आपां फार्मूले आपां अडोप्ट कर लांगे भी जिहदे नाल साडा जिहड़ा वार्ड है ओह 50 वार्ड है चो नंबर 1 ते जाणा जाऊगा भी उत्थे इह काम होए आ। हुण तुसी कही मैं 6 फेज़ दे विच उस दिन गया, 6 फेज़ विच इक पार्क है सेंटर दे विच आ के, ओह पार्क च इन्नी ब्यूटी है तुसी जाके सोचोगे भी इह किहड़ा रोज़ गार्डन आ गया, इह साडे मिलण दा मोहाली दा इहदे नाल कोई पार्क ही नहीं है, जदों कि ओह किसी ने मेनटेन कीता होया। हूँ जे साडे वार्ड नंबर 17 के पार्क है वो हालत रेगिस्तान नालों पद्धर है, तो उत्थे जाके पार्क है लगता भी असी किते आए होने हैं। असी एक एक काम गिण गिण के जो भी मैं काम करूँगा उन्हां दी सारे दी सारी दी अपने आप अपने वार्ड वालों सारी क्लीयर दस्या करूँगा 6 महीने बाद भी मैं आह काम किते हैं, अगले महीनों च ये काम करूँगा। 6 महीनों एक मीटिंग अपने वार्ड की जरूर रखा करूँगा जिते कि अपने सारे ही अपने बजुर्ग भैन सारे मुहल्ले वाले इकट्ठे करके उन्होंने की प्रॉब्लम है, की काम होना चाहिए, की इतने प्रॉब्लम आ रही है। ये नहीं कि जदों इलैक्शन 2-4 महीने रह गए तो आके कहता भी आ देखो जी आ गए असी करो मतलब कि मेरी मदद कर दो मैनू वोटा पा दो, यहोजा कोई काम नहीं होगा। हर 6 महीने बाद वोटिंग मीटिंग होया करूगी, उस विचार लिया जाए करे, तो जो विचार दे सारिआं नाल सहमति होगी मैं उहदे नाल खड़ूंगा। तो तुसी जदों भी मैनू याद करोगे मैं तुहाडे नाल हाँ, तो हमेशा तुहाडे नाल रहांगा। तो जिहड़ा मेरा वार्ड है ये मेरी शान है, मैं पंजाबी हाँ,
अपनी गल तो कभी ना मुकरिया ना ही मुकरांगा।